आज कुछ लोग ऑफेंड होने वाले हैं, लेकिन मेरा काम है आपके सामने रियलिटी रखना। आप इनके डाइट में देखिए, जो मिनिमम रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक है उतना भी नहीं है। ये तो था बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब समझते हैं सात्विक मूवमेंट का पर्पोज। जो हमारे ऋषि मुनीस है उनका मेन मकसद क्या होता है? ध्यान पे फोकस करना। तो उनके लिए फूड है जस्ट टू सर्वाइव, दे नीड टू ईट। अगर वही डाइट कोई फॉलो करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, हमारा जो बिजी लाइफस्टाइल है वो सपोर्ट नहीं करेगा, और बहुत जल्दी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हॉस्पिटल में जाओगे। अब ये बोलते हैं राजमा के साथ चावल नहीं खाना है, दाल के साथ चावल नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि नेचर ने हमें एक टाइम पे एक ही ग्रेन दिया है। ठीक है, मानता हूँ 1000 साल पहले बॉटनिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, इसीलिए जो नेचुरली प्रोड्यूस होता था उनको हम कंज्यूम करते थे, लेकिन थैंक्स टू साइंस होल ईयर अभी ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड स्टोरेज का ऑप्शन भी है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू। जब आप मल्टीपल ग्रेन्स को एक साथ मिलाते हैं फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। अब चेक करें इनके प्लेट में जो ये वेजिटेबल्स खा रहे हैं, क्या नेचर ने ये पूरे वेजिटेबल एक साथ प्रोड्यूस किया है? नहीं ना, एक टाइम पे नहीं किया है। ऐसे डाइट कभी भी सस्टेनेबल नहीं है। कीटो ले लीजिए, आईएफ ले लीजिए, रॉ फूड डाइट ले लीजिए, और मेन वेगनिज्म, जो नॉर्मल इंटेक है वही सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। आप घूम फिर के वहीं पे आएंगे। अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है, फिटनेस तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल लाइफ में भी आपको जो रिकमेंड अमाउंट प्रोटीन इंटेक है 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट उतना लेना पड़ेगा। तो पहले अपने गोल को समझो, उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान एंड सबसे मेन अपना लाइफस्टाइल जियो।